life is in this moment. If my father's life could be summarized in a line, this would be. मुझे और प्रतीक को हर सुबह मम्मी उठाया करती थी, लेकिन हमारी मॉर्निंग ऐसे नहीं होती थी। हमारी मॉर्निंग तो गुड तब होती थी जब हम पापा के रूम में जाके धावा बोलते थे और फिर हमारी शुरू होती थी कुश्ती। इट वॉज ऑलवेज प्रतीक ऑन हिज शोल्डर्स एंड मी जस्ट होल्डिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड। और जब हम स्कूल के लिए रेडी होते थे तो हम लाइन में लग जाते थे पॉकेट मनी के लिए, 5 रुपए, और पापा देते हुए कहते थे कि सेव इट फॉर अ रेनी डे। और वो ये कह रहे होते और उनके कहते कहते हम उनकी बाइक पे चढ़ जाते, धुक 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 धुक। ये आवाज मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पापा के साथ बाइक राइड्स वर द बेस्ट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। वन टाइम आई थिंक वी हैड गॉन टू पिक प्रतीक अप फ्रॉम स्कूल, उसकी प्रैक्टिस थी, शायद सिलेक्शन था क्रिकेट मैच का, और नहीं हुआ था, वो डिसअपॉइंटेड था। पर हमारे लिए सरप्राइज ये था कि विदाउट एनी वार्निंग पापा जस्ट टुक ऑफ विद अस। हम घर नहीं, सीधे मोती झील पहुंच गए। इट वॉज द बेस्ट राइड फॉर मी। पापा ने वहां से फोन किया, मम्मी को परेशान थी, पूछने लगी कि कहां हो, क्या कर रहे हो। हमने कहा हम मोती झील में हैं और बोटिंग कर रहे हैं। माँ उनको हमेशा फोन करती थी, कभी भाजी लाने के लिए, इस्त्री वाले से कपड़े लाने के लिए, कभी घर की EMI दे दी या नहीं दी है। और उनका ना एक स्टैंडर्ड सा जवाब होता, अरे मैं हूं ना। इट वॉज द फर्स्ट रेन्स ऑफ द ईयर। ही हैड कॉल्ड फ्रॉम वर्क की मैं लेट आऊंगा। ठीक है, हम उनका वेट कर रहे थे कि पापा अब आ जाएंगे, कि बाइक की आवाज आएगी, बट नथिंग, नो धुक धुक। पापा ऑलवेज टोल्ड अस टू लिव आवर ड्रीम्स। उनके जाने के बाद वी वर अफ्रेड दैट मनी वुड ड्राई अप, और फिर अपना घर और द क्लेम फ्रॉम हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैप द रूफ ओवर आवर हेड्स सो दैट आई कुड कंटिन्यू टू परस्यू माई ड्रीम्स। पापा हमसे हमेशा कहते आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंट, विच इज वाई दिस टाइम टू आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन टू प्रोटेक्ट माई फैमिली बाई हैविंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द रेनी डे। वेयर एवर ही इज, आई होप आई हैव डन हिम प्राउड।